कुछ पेड़ा तू आप खा के रोहित खा के तू खा लेगा मेरे को चल निकल ना। टॉय मिला है कैमरा को जरा हेलो वालेकुम सलाम कमरान कहाँ पे पहुंचे हो मैं बस पहुंच रहा हूँ दो मिनट में ऑफिस के अंदर चले मैं ना गेट पे पहुंचे मैं आपको लेने आ रही हूँ ओके जी सलाम अलैकुम वालकाम सर कैसे हैं आप अल्लाह का शुक्र मैं कहा आपको ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा नहीं नहीं है ना ये आपके रजा है ठीक है ये आपसे मिलना चाह रहे थे अच्छा 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 जी ये कैमरा इसके अंदर है जी यही है अच्छा मैं पास हो जाऊँ आपकी आपको शायद आवाज ना पहुंचे मेरी तो बिल्कुल ठीक है तो यार आपके आपने लास्ट टाइम एक सॉन्ग किया था आई थिंक मेरे होंटो से किसी समझ रहे हो आप लोकेशन पे वहाँ पे मेरी ड्रेसिंग नहीं थी आपके पास मैं बस डिजाइनर हूँ मैं अच्छा वो ड्रेसिंग आपने प्रोवाइड की हाँ जी मैंने प्रोवाइड की थी अच्छा लेकिन मैंने वो शहजाद के थ्रू मंगवाई थी अच्छा तो उसकी पेमेंट नहीं रिसीव हुई मुझे नहीं मैंने शहजाद को सारी मतलब पेमेंट कर दी थी क्लियर होगी वो पेमेंट नहीं मुझे तो कोई पेमेंट रिसीव नहीं उन्होंने मुझे बताया आपका एड्रेस मुझे उन्होंने दिया तो मैंने कॉल की थी ऑफिस के नंबर पे तो मिस महक से बात हुई थी उन्होंने कहा कि हम साहब आ रहे हैं आप आ जाए इसकी जो दिशान को मैंने दिए थे जो सिंगर था सॉरी जो मेल मॉडल था आपका हाँ जी उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया था कि काम के अंदर ये है जब आपसे मेरी कॉल पर बात भी हुई थी लास्ट टाइम अच्छा बात आपसे हो रही थी मेरी हाँ जी मुझसे आपकी डील हुई थी जो आपके तकरीबन 40-50,000 मंथ थे जो वो क्लियर होगी सारी पेमेंट मुझे क्लियर नहीं हुआ बॉस वो मुझे पैसे चाहिए आप मुझे पैसे दे के जाएं आप मैं शहजाद को बुलवा लेता हूँ उससे बात कर लेता हूँ नंबर उसी का मिलेगा ये ना बाद में आप कहें कॉल रिटर्न नहीं कर रहा है वो नहीं लेकिन मेरी बात सुने ना शहजाद से तो मैं बात कर लूँगा आपसे तो मेरा मतलब बनता नहीं है ना आपने तो मुझे लेकिन डील फाइनल मेरी आपसे नहीं हुई थी शहजाद के थ्रू हुई थी शहजाद ने मुझे कहा था मैं क्या डील हुई थी आपकी मेरी जितने की भी हुई थी जैसे पेमेंट मुझे रिसीव नहीं हुई है मेरी जान पेमेंट मैंने उसको दे दी है पेमेंट आपने देनी है ना मुझे मैंने शहजाद को देनी है शहजाद ने मुझे पेमेंट कोई नहीं दी कौन शहजाद मैं नहीं जानता निशान को मैं जानता हूँ मैं बता दूं निशान से आप बात कर ले जो मेल मॉडल था आपका निशान को तो मैं मतलब वो उसके साथ तो मेरी ड्रेसेस की बात ही नहीं हुई तो वो ड्रेसिंग मुझसे लेके गया था मेल की भी और फीमेल की भी मेरी आपसे बात मैंने आपसे ड्रेसेस मांगी हैं जी कॉल नहीं मांगे वो मेरा ही नंबर था 300 फाइनल आपके साथ नहीं हुई थी किससे हुई थी आपकी फिर शहजाद के साथ हुई थी nope. आपकी बात मुझसे हो रही है बाप शहजाद बात आ रहे हैं शहजाद कोई था ही नहीं उधर पैसे मैंने शहजाद को दिए ड्रेस एक बात कहो ना आपकी शक्ल सुमोई लग रही है और आप काम आप ठगबाजी वाले कर रहे हैं कुछ कदम लगा कर रहे हैं आप ये आप नहीं नहीं सर मेरे जानने वाले नहीं आए और आपका पूछा तो मैंने बिठा दिए नहीं आपने पेमेंट दी नहीं ऊपर से आप मुझ पे पढ़ रहे हैं शहजाद शहजाद जिसको मैं जानता था कहीं आप फोन मिलाएंगे ना पता लग जाएगा आप कौन सा शहजाद है अब आप कॉल भी मिला नहीं रहे हैं इसको भाई मैं मेरा तो आपके साथ बनते नहीं है मैंने आपको कहा ही नहीं है यार ड्रेसेस का मैंने जस्ट बात हुई थी क्योंकि आपके साथ डन नहीं हुआ था डन मेरा शहजाद के साथ हुआ था शहजाद आपसे ड्रेसेस लेके आया आपके लेके आए तो आप शहजाद से कौन है भाई मेरी गाल सुनो मेरी मंगन वाली शक्ल तेरी अपनी बन गई है बाहर आ लो किसके साथ बात जो भी है तुम किसके साथ बात कर रहे हो मैं अभी ललित सिंह के साथ बात कर रहा हूँ लैंग्वेज अब बदतमीजी पे उतर आए हैं तो बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करता मैं शहजाद को कॉल नहीं करूंगा मैं 15 को कॉल करूंगा और फूफी के मुंडे हैं आपके रिश्तेदार हैं आपके 15 को कॉल मिलाएंगे आप तुम्हें लग पता जाएगा कि क्या अब भाई तुम हो गो ना 2% का सिंगर तुम कौन हो किससे बात कर रहे हो तुम तमीज से बात करो गेट लॉक ये भाई ने बाहर खा लिए अब बता लो गेट लॉक ये नो नहीं गेट लॉक क्या आता है ये मुझे बताएं आप भरा स्कूल ना बैठ तले ठीक है मेरा भरा ते बुद्धि गल नहीं करनी यार पैसे दे तो मैं जावा निकलो यहां से ये क्यों आएगा पानी पियो ठंडा तुम जदाज तेरी कमजोर है की तेज होवे हां जी तेरी तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं मैंने आपको बिठाया इसलिए कि ना आप आराम से बैठ के बात करें आप हाथा भाई भी उतर आए प्लीज आप जाएं अब छपेड़ा तो मारने नहीं गया ये छपेड़ा मार दिया मैं हमें और चल चल निकल चल मुझे
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ ਪੈਰ ਮੇ ਹੀਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਜਾਏਂਗਾ ਇਥੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਭਰਿਆ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਤੋੜੇਗਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮਨੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੇਬੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿਆ ਪਾਗਲ ਹੋ ਤੂੰ ਕਿਆ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਖਾਨੇ ਸੇ ਨਿਕਲਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਭਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੈਂਟੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹਲੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਇਸਾ ਕੁੜ ਖਾ ਗਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਆਪਨੇ ਇਸਕੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਸਕੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਕੋ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਗਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਚਪੇੜਾ ਤੂੰ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਮੈਡਮ ਕੋ ਪਤਾ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਕ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਵਾ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੀਏ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਬਾੜ ਚ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਯਾਰ ਸੌਰੀ